A regular polygon of six sides is formed by bending a wire of length 4 meter. The length of the wire is 4 pi meter. If an electric current of 4 pi root 3 ampere is flowing through the side of the polygon, the magnetic field at the center of the polygon would be x into 10 to the power minus 7. Then the value of x is okay. तो हमारे पास एक पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन ऐसे, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा रेगुलर पॉलीगॉन। राइट, ओके। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है कितना आएगा। तो देखो यहाँ पर पॉलीगॉन मतलब क्या है, छह अलग अलग जो जो छह वायर स्ट्रेट वायर उससे बना हुआ है, तो स्ट्रेट वायर से बना हुआ है तो स्ट्रेट वायर के लिए फार्मूला क्या होता है, एक वायर के लिए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। राइट, तो छह वायर है तो छह बार फार्मूला यूज करना पड़ेगा। उसके लिए पहले आई आर ढूंढ लेते हैं, आर थीटा 1 थीटा 2 ढूंढ लेते हैं। ओके, तो अगर मैं इस सिंगल वायर के लिए सॉल्व करूँ, कोई भी एक वायर के लिए, तो लेट से मैं ये वायर के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये वायर सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो ये वायर सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है 2 पाई बाई नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड कितना है, 6। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 पाई बाई 6 जो लिखा है दैट विल बी इक्वल टू, हाँ, 2 पाई बाई 6 मतलब कितना, पाई बाई 3 मतलब कितना, 60 डिग्री आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारा आर हो जाएगा। राइट, एंड ये एंगल कितना 30 डिग्री, और ये एंगल कितना 30 डिग्री। उसके बाद आर तो हमें, अच्छा आर निकालना है, ये लेंथ कितना है, देखो अभी हर साइड का टोटल लेंथ कितना है, यहाँ पर एल है, टोटल 6 साइड है, तो ये लेंथ कितना होगा, L/6। तो ऑब्वियस है ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, L/12। मुझे क्या निकालना है, आर। तो अगर हम लोग टैन का यूज़ करें, टैन 30 का यूज़ करें, अपोजिट कितना, L/12 / R। टैन 30 क्या होता है, 1/√3 = L/12 R। तो R कितना हो जाएगा, √3/12 L हो जाएगा R का वैल्यू। तो R का तो वैल्यू मिला, θ1 θ2 भी हमारे पास है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 6 टाइम्स, बिकॉज 6 वायर है, म्यू नॉट मतलब 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। आई आई कितना दिया है, 4 पाई √3/4 पाई इंटू R कितना है हमारे पास, √3/12 L है, L भी दिया है उसने, L कितना है, 4 पाई इंटू साइन कितना 30 + sin 30, sin 30 कितना, 1/2, 1/2 + 1/2 कितना 1, तो ये पूरा ब्रैकेट कितना होगा, 1 होगा। तो देखो 4 पाई 4 पाई कैंसिल आउट, 4 पाई 4 पाई कैंसिल आउट, 2 √3 भी चला गया। तो बी बी का वैल्यू कितना दिया उसने, x × 10⁻¹। x × 10⁻¹ इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पर 6 × 12 × 10⁻¹। तो ये चला गया, ये चला गया, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 72। तो इसका आंसर है 72।